गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मुक्तिफ लड़की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट सीजन में फोर्थ एपिसोड भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आज की हमारी होस्ट और दोस्त दोनों हैं सना चौधरी, तो हम इनसे मिलने वाले हैं और जानते हैं इनकी जर्नी। पहली बात तो हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए हमें। थैंक्स टू यू आल्सो कि आपने अपना टाइम निकाला और आपने ये बहुत ही अच्छी चीज एक रखी है, तो आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम थोड़ा सा चलिए आपसे शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन कह सकते हैं, हम टिक टिक वन। सो प्लीज अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। सो आई एम सना चौधरी एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी साइड बिजनौर। बेसिकली माई फादर वॉज फ्रॉम बिजनौर, और मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट इस फील्ड में मुझे 13 to 14 ईयर्स हो चुके हैं, और बस 13 to 14 ईयर्स मेरे सलोन को हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, मेरा स्टूडियो है, ये खुद का मेरा स्टूडियो है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सेकंड ब्रांच भी ओपन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मुबारक हो, थैंक यू सो मच। और ये फर्स्ट टाइम इनके पेज पे रिवील हो रहा है, ये सारे सीक्रेट्स मेरे पेज पे आएंगे, जो मेरे बहुत कम लोगों को भी पता है दैट हम एक सेकंड ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो सना, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आपने ये कब शुरू किया? एक्चुअली जब मैं 10th में थी तो माय फादर इज़ नो मोर। उस टाइम पे 10th में 2010 ऑलमोस्ट 9 था, हाँ 10 था। उसके एंडिंग में मेरे फादर को छोटा सा सीवियर अटैक आया था। उसके बाद से मैं भी उस टाइम में 10th में थी, और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी नहीं होते। आई थिंक मेरे 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स रह गए थे बोर्ड्स के, बट कैसे भी करके मम्मी फिर इद्दत में थी, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके एग्जाम सेंड में दे दिए। मेरे सर जो थे, शैलेंद्र सर फ्रॉम सेंट ग्रे स्कूल, ऑलमोस्ट यहाँ के लोग सब उनको जानते होंगे बहुत अच्छे से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम एग्जाम्स दो। फरवरी मार्च में मेरे एग्जाम्स हुए। एग्जाम्स करने के बाद आई वाज लाइक अब क्या, मतलब ठीक है 11th और 12th, ठीक है फिर चीजें थोड़ी ऐसी हुई कि अब मुझे करना चाहिए कुछ, वर्किंग एज अ वर्किंग होना चाहिए। बायोग्राफी आपने, मतलब आपकी फादर क्या करती है, फैमिली, सिबलिंग्स, अबाउट योर एजुकेशन। एक्चुअली फादर इज नो मोर, इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। और मेरी जो मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं। मेरा एक भाई है जो मुझसे छोटा है, एंड उनकी वी हैव ओनली टू सिबलिंग्स। और मेरा एक भाई है जो छोटा है मुझसे, और वो उनकी गारमेंट्स की खुद का ओन स्टूडियो है उनका। ओके, तो इस प्रोफेशन में आने के लिए मतलब आपने कब सोचा? इस प्रोफेशन में आफ्टर माय 10th, जैसे मैंने बताया 10th के बाद, तो ये सिर्फ शौक के लिए था या नहीं? शौक के लिए था, योर फादर, योर फाइनेंशियल, या एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल, क्योंकि 10th के बाद आप शौक के लिए तो नहीं करोगे। एग्जैक्टली 10th के बाद मुझे थी नीड की, हाँ मतलब चीजें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए कुछ, तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी शॉर्ट टाइम पीरियड ना, कि बस जिसमें अर्निंग हो जाए। तो एक दिन हम लाजपत नगर ऐसे गए, नहीं मुझे किसी ने बोला कि तुम ना कुछ वो आज से 10-12 साल पहले क्या कहते हैं पार्लर वाला ना, पार्लर, तो किसी ने, किसी कजन ने या किसी बड़े ताया वगैरह ने, तुम पार्लर का इसको सिखा दो और यहाँ पे हम छोटा सा इसको खोल कर दे देंगे, कर लेगी। तो उस टाइम पे मेरी नज़र में भी वही था पार्लर काइंड ऑफ थिंग ना, बट जब एक बार मैंने जब सर्च किया, मैंने यहाँ बटला हाउस में भी थोड़ा लोकल में सर्च किया, बट नहीं मुझे समझ में आया, तो मैंने एक बार गूगल पर सर्च किया तो बहुत अच्छी अकेडमीज आई। ओके, जिससे मैं बिल्कुल भी वो नहीं थी, वाकिफ नहीं थी कि ऐसी अकेडमीज भी होती हैं जो प्रोफेशनल तरीके से सिखाती हैं। आपके लिए न्यू था? मेरे लिए न्यू था। तो मैं मम्मी के साथ मेरी विजिट के लिए गई, तो वहाँ पे हमने पूरा इसका एक प्रॉपर एक कोर्स होता है, इट्स ऑल अबाउट कोर्स। तो ये होता है एक CBHST कोर्स, आपका सर्टिफिकेट कोर्स एंड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने इन मेकअप फील्ड, जिसमें आपका सब स्किन, आपका ब्यूटी सब कुछ आता है। तो मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स उसमें, कब की बात होगी ये, होगी ऑलमोस्ट 2011 मुझे रोल ऑन। जब मैं गई वहाँ पे तो वो बहुत ही अच्छी अकेडमी थी, इट्स लाइक अ ड्रीम की मुझे, मैंने सोचा की ब्यूटी यहाँ तक पहुंच चुकी है। आज से 12 साल पहले भी वो अकेडमी, भारती तनेजा एल्प्स अकेडमी, जो लाजपत में आज भी है और आज भी उनका बहुत नाम है, मैं वहाँ पे गई, वो एक इंटरनेशनल अकेडमी थी। उन्होंने, मेरी काउंसलर जो थी बहुत अच्छी थी, प्रियंका मैम, उन्होंने मुझे काउंसलिंग दी, अच्छे से बताया कि नहीं बेटा ब्यूटी वो नहीं है, इट्स ऑल नॉट ऑल अबाउट फेशियल्स और वगैरह, एस्थेटिक क्लासेस होती हैं आपकी, स्किन क्लासेस होती हैं, डॉक्टर आपकी क्लासेस लेते हैं, बड़े बड़े फेशियल्स होते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर आई बात फीस पे,
फीस थी उसकी लैक्स में कुछ. ओके. तो मम्मी उस टाइम पे, उस टाइम पे उसकी फीस 1,80,000 समथिंग कुछ. तो मम्मी ने कहा नहीं हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनकी नजर में वही था कि पार्लर की लाइन है ये वो इतना ज्यादा क्या. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैं वहां से आ गई. मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो चुकी थी कि बट अब मुझे वहीं से करना था. पता ना स्टार्स आ जाते हैं आईज में. अब मुझे वो लोकल पार्लर नहीं, मुझे कुछ प्रोफेशनल ही करना था. तो मैंने बहुत मनाया सबको, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे फाइनेंशियली इतना वो नहीं था कि मैं इतना महंगा कोर्स कर सकूं. बट अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या हुआ, मैंने मम्मी को बोला कि मुझे करना ही करना है, वहीं से करना है. आप कुछ मत करो, आप दहेज मत देना मुझे, आप मेरे पैसे मुझे दे दो, बट मुझे वहीं से करना है. तो मम्मी वाज लाइक कि ठीक है चलो देखते हैं. इट्स अ बिग थिंग. हाँ. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके मैम की नज़र में भी जब उन्होंने देखा कि उनको करना है, तो उन्होंने मैम ने भी क्या करा कि थोड़ा सा उन्होंने हेल्प करी. हेल्प ये उन्होंने मेरे सेमेस्टर्स बना दिए. उन्होंने कहा हम वैसे 3 सेमेस्टर में लेते हैं, बट मैं आपके लिए 6 सेमेस्टर बना दूंगी. oh, और आप फीस अपनी कर लेना. और मैं सना के लिए इतना कर दूंगी कि वो 3 to 4 months बाद अर्न कर अपनी फीस दे सकती है. ओके. तो थैंक्स टू प्रियंका मैम, मैं आज भी उनके लिए बहुत थैंक्स करती हूँ. तो उन्होंने मेरे सेमेस्टर वाइज बना दी थी. यहाँ से मेरा कोर्स स्टार्ट होता है 2011 में, और ये पूरा 6 महीने था. 6 महीने के बाद वो मुझे नीचे, उनका स्टूडियो था, आज भी है, स्टूडियो में काम कराते थे, और थोड़ी बहुत जैसे होते तो फीस अरेंज हो जाया करती थी. धीरे धीरे करके मैंने ऐसे अर्निंग, मतलब आपने सीखने के साथ साथ फ्रीलांसिंग. हाँ बिल्कुल. मतलब ये 6 months भी नहीं, जैसे मेरा ब्यूटी कम्प्लीट हुआ था, ब्यूटी के बाद मैम ने उनको मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां भी फर्स्ट आती थी हमेशा. आज भी मेरे फोटोज वहां लगे हुए, कभी भी जाकर देख सकते. वो अपने ब्राइड्स हर ईयर का ना फोटो होता है, तो वो कहती थी कि नहीं तुम कर लोगी. तो एक होता है ना पैशन, उसमें पैशनेट एक पैशन आ गया था कि करना है, यही करना है. तो धीरे धीरे करके ब्यूटी में मैंने अर्निंग स्टार्ट करी, और अपनी फीस मैंने खुद निकालनी शुरू करी. ओके. तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थी. ये कैसे, ये फिर शुरू हुआ आपका? उसके बाद हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया वहां से. और मेरा पहले आप कहीं और रहते थे? पहले हम कहीं और रहते थे, पहले हम ज्वाइंट फैमिली में थे. अच्छा. चाचा ताया सब, बट ठीक है चीजें वैसी नहीं रहती. तो उसके बाद हमने यहाँ से घर लिया था. तो मैंने, मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आगे अपने घर के आगे वाले जो मेरे यहाँ पे आसपास लोग हैं उनको पता है कि मेरा स्टूडियो पहले बहुत छोटा था घर के आगे वाले पार्ट में. तो घर के आगे वाले पार्ट में 2 चेयर के साथ एक छोटा सा स्टूडियो, जिसमें एज अ फ्रीलांसिंग ही करती थी मैं. 5 बजे तक मैं स्टूडियो में रहती थी यहाँ पे अपने अकेडमी में. 5 बजे के बाद मैं यहाँ आकर अपने क्लाइंट्स देखती थी. और उससे पहले मम्मा को मैं बोल दिया करती थी अपॉइंटमेंट आप ले लिया करना. तो छोटा सा स्टूडियो था, उसके बाद 5 बजे के बाद यहाँ के काम करना, कभी कभार 3 बजे फ्री हो जाए करना. वहां से करते 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 फिर मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ. मैंने सोचा कि मुझे जॉब नहीं करनी, जॉब मैंने शुरू से नहीं करी. क्योंकि जब मैंने फ्रीलांसिंग में करा ना, तो मैंने देखा कि इस लाइन में मुझे ना कुछ और अच्छा करना है, जॉब में मैं स्टक हो जाती. तो मैंने क्या सोचा कि अपना ही बिजनेस करूंगी. तो मेरा छोटा सा एक 2 चेयर का था स्टूडियो था, मैंने उसी में अपना 100% दिया. और धीरे 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 क्लाइंट्स को बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छी सर्विसेज लगी उन्हें. मेरे फेशियल्स वगैरह आज भी बहुत पॉपुलर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे. मैं भी इनकी एक मतलब वन ऑफ अ फैन ही हूँ, समझ लो. मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई रहती हूँ. मतलब हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं मिली है, और मतलब बहुत ही अच्छा काम होता है हमेशा की तरह. तो यही सब यही वाली बात. और इवन मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि नहीं प्लीज, आप अगर आपको चाहिए, आप इस एरिया के हो, तो प्लीज सना को. तो यही वाली बात जो एक थी ना, मुझे काफी लोगों ने बोला भी कि एक्चुअली मेरा स्टूडियो काफी अंदर है, तो सब बोलते हैं कि आप बहुत अंदर है, आप थोड़ा सा बाहर निकलो, इसलिए अब हम दूसरी ब्रांच करने जा रहे हैं. बट ये सारा प्यार ही है जो मुझे यहाँ यहीं से लोग नहीं जाने देते. अदरवाइज मेरा बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी हैं, जॉब के भी ऑफर फिर भी मेरे. अच्छा. अभी इस टाइम पे मेरे ही जहाँ से मैंने कोर्स किया है वहां से मुझे एज अ काउंसिलर और एज अ टीचिंग स्टाफ में भी मुझे बुलाया जा रहा है. बट मेरे पास टाइम ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये है कि मेरा ये स्टूडियो है, फिर मैंने इसको बड़ा करा. फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पहले स्टूडियो छोटा था, उसके बाद ना क्लाइंट्स आने लगे. पहले मैं डीमोटिवेट हो गई थी, मैंने कहा कितने आ जाएंगे, थोड़े बहुत आ जाएंगे कभी बिजनेस ऐसे, क्योंकि लाजपत नगर में आप कर रहे हो वहाँ पे क्लाइंट अलग है, और यहाँ पे बहुत फर्क है. यहाँ पे हमारी जो मुस्लिम कैटेगरी है, फिर जो लोग हैं वो उतने अपग्रेड नहीं हुए हैं. तो मैं सोची मैं वो कर, क्योंकि वहाँ के यहाँ के लोगों को कन्विंस करना और यहाँ के लोगों को बताना. एस्थेटिक क्लासेस होती थी हमारी, जिसमें डॉक्टर्स हमारी क्लासेस लेते थे अबाउट स्किन, अबाउट नॉलेज, ये सारी हेयर स्कैल्प. मैं यहाँ नहीं बता पाती थी, यहाँ पे बस लोग उतने थे कि फेशियल, लाइक मसाज, फेशियल आईब्रो, फेशियल आईब्रो इट्स कॉल्ड अबाउट, कि बस ये है स्किन में हमारा. तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैं यहीं के लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है. मुझे आज भी याद है मैं पहला फेशियल किसी के घर पे करने गई थी. अच्छा. मम्मी के वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनकी वाइफ ने बोला कि बेटा हम नहीं आते, आप यहीं आके करो.
और वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी, वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। तो उन्होंने मुझे एक बार घर बुलाया कि बेटा आप बहुत अच्छी जगह से कर रहे हो, आप एक बार यहाँ आओ घर पे। फिर मैंने उनका फेशियल वगैरह करा, बहुत अमेजिंग उनको लगा। मेरे पास जो इक्विपमेंट्स मशीन्स थे, शी वाज अमेज्ड कि तुम इतनी अच्छी सर्विस दे रही हो, क्योंकि वो उन्होंने मुझे चेक करने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो बाहर जगह से कराती है तो उनको वो वैल्यू पता थी। ओके, देन आई वाज लाइक कि मुझे अब यहीं करना है, मुझे अब बाहर। मेरी मैम ने भी मुझे बोला कि नहीं बेटा आप बाहर आओ, मैंने कहा नहीं मैं छोटे स्टूडियो में करूंगी बट यहीं करूंगी। उसके बाद आप फाइनेंशियली अपनी मम्मा को सपोर्ट करते थे? उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्ट तो मैंने मम्मा को शुरू टाइम से, जब मैंने कोर्स में एनरोल किया था तब से मैंने छोटा छोटा अपनी फीस भी भरी और घर को देखा। अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट पार्ट में, जो कि होती है स्ट्रगल। तो ये सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, मतलब ऑब्वियस है, वो बिना स्ट्रगल के तो स्ट्रगल है। यस, तो आपकी लाइफ में कैसे स्ट्रगल आपने मतलब फेस किया है, उसको कैसे डील किया? मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स कुछ अलग थे, जैसे मैंने पहले भी बोला है फाइनेंशियली फादर ना होना मेरी तो लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल ही हुई है। तो मेरी लाइफ के स्ट्रगल जो शुरू हुए थे वो मेरे कोर्स की वजह से ही हुए थे। यहाँ पे मतलब मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बहुत जाने माने इंसान हैं, ओखला के जुल्फिकार अहमद, उनको सब जानते थे। हम लोग ऐसे थे, गाड़ी बाहर है उठ निकले, बस ऑटो कभी नहीं, सीधा गाड़ी में बैठे और उधर से चले गए। बस क्या होती है, ऑटो क्या होती है, कुछ नहीं पता था। तो जब मैंने कोर्स में एनरोल किया तो सबसे पहली बार जब मैं बस में बैठी थी, मेरा पहला एक्सपीरियंस और स्ट्रगल वो था। मैं रेड वाली जो बस होती है 892 जो लाजपत जाती है उसमें बैठी मैं, वहाँ पे लोग इतने ऐसे भर भर के एकदम साइड से एकदम सब चिपक 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 के खड़े हुए थे। वो मेरे लिए था बहुत स्केरी था मेरे लिए वो, मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं पहुंचूंगी भी वहां तक स्टूडियो तक या नहीं। सेंट्रल मार्केट आना ऐसा हो गया था कि मैं पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो ठीक है वो हुआ डेली डेली, फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई कि ठीक है निकलना है तो निकलना। उस टाइम पे मेट्रो वगैरह थी नहीं? मेट्रो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेट्रो लाजपत में भी नहीं आई थी और यहाँ पे भी नहीं थी, बस से ही करना पड़ता था। और ऑलमोस्ट थोड़े से पैसे होते थे, ऑटो वोटो नहीं कि भैया बस से ही जाना है, बस से जाना इस लाइक मेरे लिए वो था। और फिर दूसरी बात, वहाँ पे स्टूडियो में भी टाइम देना, अपनी फीस को भी मैनेज करना और यहाँ पे भी करना, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि मुझे यहाँ पे भी मैनेज करना। पहले किसी ने रोका कि आप कुछ और भी कर सकते हो, मतलब एजुकेशन कंप्लीट करके आप कुछ और भी कर सकते हो? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मासी मेरी खाला वगैरह है, मेरी कजन है, उन्होंने बोला कि कुछ और Let's try something else, कुछ और करो। हम जॉब लगवाते, सबको कहते हैं ना कि चलो हम जॉब लगवाते थे, जॉब लगवाई भी उन्होंने। बट जैसे मैंने बोला ना, एक जो मेरे फादर थे ना वो भी एक छोटे से गांव से आए थे और उन्होंने भी मेहनत करके अपना नाम, बहुत ही बड़े फैशन डिजाइनर थे, बहुत ही बड़े लेवल के फैशन डिजाइनर थे मेरे फादर, सना फैशन के नाम से उनका स्टूडियो था पूरा। तो मुझे मेरे अंदर वो था, मैंने कहा नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, मैंने कहा मैं अपना ही करूंगी। और जैसे जब मैं स्टूडियो गई थी ना, बस रुखसार मेरा वहीं से माइंड हो गया था, मुझे यही करना है, मतलब आपको उसी फील्ड में, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे किसी के। तो आफ्टर योर एजुकेशन आपने बताया आप 12th ग्रेजुएशन किया आपने? हाँ, फिर उसके बाद किया मैंने 2-3 साल अपने इसको काम को दिया क्योंकि मुझे अपनी फीस भी अर्न करनी थी। उसके बाद मैंने पूरा अपनी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट करी। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज भी कम्प्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, MBA MA भी किया हुआ है मैंने, सब कुछ जामिस किया लेकिन प्राइवेट किया। Okay. तो हाँ, लेकिन स्टडीज मैं अभी भी करती हूँ और अब मैं अपनी फील्ड में ही कुछ करती हूँ। अपनी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जगह जगह से कोर्सेज होते हैं, सब कुछ होते हैं, और आज भी हमारी क्लासेज होती हैं, लॉरियल से क्लासेज होती है, बड़े बड़े कंपनी से हमारा टाई अप है। तो मैं अपनी फील्ड में ही करती हूँ। मैंने देखा है आप कई जगह जज भी बने हैं, आप बहुत जगह बुलाए जाते हैं, किड्स में भी, किड्स शोज में भी, तो उसका क्या है? उसका ये कि हाँ ऑब्वियसली ये देखो आपका काम बोलता है, जब आपको लोग जानने लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो लोग आपसे कैसे कनेक्ट हुए? वो सब ऐसे कनेक्ट हुए हैं कि अचीवमेंट्स देखी है उन्होंने, मेरे इंस्टाग्राम पे पेज है मेकअप स्टोरीज बाय सना, मेरा जो पेज है वहाँ पे लोगों ने काम देखा। फिर जब हम जब शूट्स के लिए जाते हैं आपका काम ही बोलता है। ये तो है, आज अगर आप अच्छा काम दोगे तो उसका पार्ट अगर अभी नहीं दिखेगा ना, उसका आगे जाके जरूर दिखेगा। तो जब हम जाते हैं अपनी इमाम वगैरह के साथ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वर्क इतना अच्छा है, आपका काम, आपके प्रोडक्ट्स, हम सारे प्रोडक्ट्स हमारे सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज होते हैं। अगर आप मेरी मेकअप वैनिटी ओपन करोगे या मेकअप वैनिटी में आप ओखला में कहीं भी किसी से भी पूछ लो मेकअप के बारे में, हमारे यहाँ सबसे ऑथेंटिक प्रोडक्ट यूज होते हैं, फेशियल से लेके एवरीथिंग। तो जब ये चीज हुई तो
जजेस एज अ जजेस जो मुझे बुलाया गया था वो मेरी अचीवमेंट्स पर बुलाया गया था. Okay. हाँ, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया. So आपने अभी तक कहाँ-कहाँ से सर्टिफिकेट? बहुत जगह से. मैंने आई थिंक देखा है, मैंने आपकी स्टोरीज पे देखा है एग्जैक्टली कि वहां से आपने बहुत जगह पार्टिसिपेट किया है, बहुत जगह पे गए हो, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइव्स तैयार किए हैं आपने. बाकी पेज पे तो हम देख रहे हैं, बट आप जब कॉम्पिटिशन में गए हो तब भी आपने कह रहे, तो वो कैसे? बस एक होता है ना, मुझे यहीं तक नहीं रहना. अभी भी स्टेप बाय स्टेप यू कैन आप मुझे मेरा मेन ना मेरी अचीवमेंट्स के एक मेरे गोल्स हैं. मतलब मुझे अभी भी सब कहते हैं शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, मेरे कुछ गोल सेट किए हुए मैंने. ऐसा नहीं है अल्लाह की बिना मर्जी के कुछ नहीं होता, लेकिन बस ये कि मैंने सोचा है कि मुझे करना है, मतलब सिर्फ यहीं तक नहीं रहना, ओखला में ही कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है. तो मेरे कोर्सेज, मुझे बहुत शौक है सीखने का. मतलब मैं अलग अलग आर्टिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मेकअप पे पूरी कॉन्फिडेंट हूँ, करती हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ नया भी सीखना चाहती हूँ. जैसे अतुल चौहान है, लीना भूषण माय फेवरेट, और गुनीत विर्दी, और आपके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं. तो इनकी कुछ टेक्निक्स, मेकअप हमारा वही है, लेकिन जैसे कुछ टेक्निक्स, हाँ अच्छा ओ ये ऐसे करती हैं, तो ठीक है आई पे, मैं पूरा पे वो लेती हूँ उनकी, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हो. हाँ वो मुझे सीखती हूँ. अभी भी मुझे, अब मुझे दुबई जाना है, दुबई से मुझे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनसे भी मेकअप सीखना है. सारे सीक्रेट्स हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं. हाँ ये सीक्रेट है, एक मेरे स्टूडियो सारे सीक्रेट्स सना की हमारे, और मेरा दुबई जाने का, दुबई घूमने के पर्पस से नहीं, मुझे वहां से दोबारा एक कोर्स करना है फॉर द वर्क. या फॉर द वर्क पर्पस, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी जाऊंगी, और ये चीज चलती रहेगी. आप मेरे कभी भी किसी क्लाइंट से पूछिएगा, उनको कुछ नया ही दिखता है. मेकअप इज लाइक की मेकअप, मेकअप नहीं है, मेकअप में ट्रांजिशन आते रहते हैं. कभी आपको ऐसे फील हुआ है कि कभी किसी ने बोला होगा सना मेकअप नहीं किया इन 13 इयर्स में, आपका मेकअप अच्छा नहीं किया या कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ? ऑब्वियसली अच्छा, किसी का भी आपने कैसे 100 देखो, अब जैसे क्या होता है ना, किसी का भी 100% ये नहीं मेरी जर्नी बहुत स्मूथ है या बहुत मैं फेमस ऐसी नहीं हो गई हूँ. होता है 100 में से 2% लोग आपको ऐसे कहते हैं. शुरू में हुआ या अभी? शुरू में. अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो आप मेरा पूरा रिव्यू पेज देख लो, इतने रिव्यूज में डाल नहीं पाते जितना सब पसंद करते हैं. जैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तो एक कोई चीज बताइए कि मतलब कोई एक क्लाइंट जो जिसको पसंद नाम नहीं बताइए, बट नाम प्लीज. हाँ मुझे भी नाम याद नहीं है, उनको क्या पसंद नहीं आया था, क्या कुछ कुछ कोई कहता है कि मेरे मेकअप में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे प्रॉब्लम में ये हो गई, या फिर मुझे ये सर्विस पसंद नहीं आई, तो मैं उनको यही सब, फिर मैं उससे भी सीखती हूँ. ठीक है, मैं हमेशा बहुत पोलाइट रहती हूँ अपने क्लाइंट के साथ. आप मेरा ज्यादातर ना, जब कभी भी मेरा रिव्यू देखोगे ना, वो ज्यादातर ये होता है सना का नेचर, मेरा काम और मेरा नेचर. मुझे कभी भी ना, मुझे ना वो नहीं होता कि अरे ये मेरे काम के बारे में ऐसा गलत कैसे कह दिया, या कभी एंग्री हो गया, नहीं कभी नहीं. हमेशा मतलब अच्छा मैम क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, गलत कभी ये रिव्यू नहीं आया कि काम गलत हो गया. गलत जैसे ऑन द स्पॉट भी कस्टमर बताए मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है मैम आप जैसे चाहोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव और सामने वाले के पर्सपेक्टिव में बहुत फर्क होता है. अगर मैं जैसे अब आप ब्राइड हो और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आपकी कुछ ऑल विशेज होंगी कि मैं ऐसा दिखूं, तो मैं नहीं थोप सकती. अगर मैं अपना वाला वो कर दूंगी, अपना टच दे दूंगी, तो मे बी वो आपसे मैच ना करे, तो आपको पसंद ना है, पसंद ना है कि exactly. ये वो लुक नहीं है जो मैं चाहती. तो आपने उसको कैसे डील किया? मैंने फिर उसको ऐसे डील करा, मैंने लोगों को जानना शुरू करा. और मैं जब भी हमारे यहाँ ब्राइड आती है ना, मैं अपने ब्राइड से बहुत कनेक्ट करती हूँ. ये मेरी कभी भी किसी भी ब्राइड से आप पूछ सकते हो, जैसे कभी भी मेरी ब्राइड होगी ना, मेरा व्हाट्सएप है, आप देखना क्या कर रही हो ये वो, उससे उसका नेचर पता चलता है. ये बहुत ही सीक्रेट वाली बात है, उससे उसका नेचर हो चुके हैं इस व्लॉग में, उससे उसका नेचर पता चलता है मुझे. मेरा जो मेन गोल है ना, वो मेरी ब्राइड्स अगर ये व्लॉग देखेंगी वो कहेंगी अच्छा इसलिए हमसे इतनी बात करती है. मेरा जो मेन है ना, देखो आपको अगर जैसे आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले, मैं पहले बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी. जब आप क्लाइंट आपके पास आता है ना, एक पूरी स्टोरी लेके, मेरी ब्राइडल बुकिंग है, वो भी अनकंफर्टेबल होती है, नहीं बता पाती उसको क्या चाहिए. धीरे धीरे कनेक्ट करो उसके साथ, उसका नेचर जानो, जो उसके घर वालों का नेचर जानो. ब्राइड तक नहीं है ये, मान लो ब्राइड आपकी बॉर्डर, घर पूरा पूरा वो करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, पूरा होमवर्क करना पड़ता है, करना पड़ता है. एग्जैक्टली मेरी लाइफ, होमवर्क सार की लाइफ, कि होमवर्क करके आई हूं वो मेरे ऊपर. यस ये चीज है कि होता है, फिर होमवर्क करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, उनकी घर वालों की मेंटालिटी कैसे, इन सब के मिक्सचर के बाद वो ब्राइड वैसी बनती है जैसा वो चाहती है. जो एक रिव्यू निकल के आता है ना, वाह मैं बिल्कुल वैसी लग रही हूँ जैसा मैं चाहती थी, ये क्यों होता है? क्योंकि मुझे उसका नेचर पता है, इसको ऐसा लुक चाहिए था. ऑन द स्पॉट कोई ब्राइड है, एकदम मेकअप में कर दूं, कभी भी अच्छी लुक नहीं आएगी. उसके बाद लाइक जब आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, तब आपके फैमिली मेंबर्स जो अनदर जैसे लाइक और भी रिलेटिव्स होते हैं,
तो ही और शी कैन सपोर्ट यू फॉर दिस और नॉट कि हाँ अब ये क्या कुछ अलग करिए तो वी कैन नॉट कनेक्ट हम इसे मतलब कुछ ऐसे कुछ हुआ हो. हाँ ऐसा हुआ, मेरे काफी रिलेटिव्स ऐसे थे, मतलब पहले था कि ठीक है जो भी है कर लेगी जो भी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब देखो सब दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं. कनेक्ट हो, जब आप फेमस होते हैं तो लोग आपसे दोबारा से कनेक्ट, सब कनेक्ट हो रहे हैं. मतलब अगर ये लोग देख भी रहे होंगे तो समझ गए होंगे वो सब कनेक्ट हो रहे हैं. मतलब सारे सीक्रेट्स सब सोचती हूँ मैं कि कैसे हो रहा है, अपनी मम्मी मदर को भी कहती हूँ मम्मी सब आ रहे हैं मतलब अब कैसे हो रहा है. बट ठीक है ये भी एक रोल पार्ट है, अगर कोई आपके बुरे टाइम में नहीं है इट्स ओके. अब आप अच्छे हो, आप सक्सेसफुल हो, पीपल विल नो यू सो मच और अच्छे काम के लिए जा रहे हैं. ठीक है अगर बुरे वक्त में नहीं, अब अच्छे वक्त में कोई बात नहीं. मेरा ना एक नेचर है, बचपन से ही नेचर है, हर किसी के रिलेटिव में ना ऐसे रिलेटिव होते हैं जिनके साथ होता है ना कि अच्छे टाइम में नहीं होता, बुरे टाइम में आपको और डराने आ जाते हैं. मेरा नेचर है आ जाओ ठीक है, मैं उनको भी पूरा एंजॉयमेंट देती हूँ कि नहीं नहीं. मेरे कितने ऐसे रिलेटिव्स हैं जो बहुत मुझे ना ऐसे कि नहीं ये बहुत डाउन कि ये वो, मैं कहती हूँ नहीं, मैं उनका भी इस्तकबाल ऐसे करती हूँ बहुत प्यार से. और ये नेचर है, कोई प्लान नहीं, पता नहीं मैं चाह ही नहीं पाती कुछ गलत करना, तो सब बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सना. इसके बाद का क्या प्लान है आपको, इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, मतलब इसको और इसको अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अभी आपके पेज पे रिवील किया कि मैं सेकंड ब्रांच की सोच रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो हो जाएगी. इस साल के जो गोल्स हैं और ये अच्छा यही करना है, सर्विसेज मुझे यही देनी है. और तो जो वो नया आप स्टेप करने जा रहे हो तो वो इसी एरिया में है या आउट ऑफ दिस एरिया? हाँ मैं एरिया भी मेरा डिसाइड नहीं हुआ है एरिया का मुझे. हाँ एरिया पर यू कैन प्लान के आपको या प्लान की बस करना है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे ही है. दो तीन एरिया मेरे फाइनल हो चुके हैं, उसमें से बस एक फाइनल करना है. मुझे बहुत सारा सीखना है और मुझे यही के लोगों को सर्विसेज देनी है. ओके सारी अपग्रेडेड चीजें जो होती है ना मुझे यही देनी है. किसी को लाजपत और साउथ एक्स ना जाना पड़े, यही आओ हम यही सर्विस देंगे लाजपत साउथ, बल्कि उससे ज्यादा अच्छी देंगे. दैट्स ग्रेट. तो सना इसके बाद आप कुछ बच्चों को सिखाते भी हो, लाइक क्लासेस भी देते हो एज एकेडमी और बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं तो वो सर्टिफाई आप सर्टिफिकेट देते हो कैसा क्या प्रोसेस? हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. ऑफ कोर्स आई एम अ सर्टिफाइड मुआ और मैं एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूं, तो मैं अब सर्टिफिकेट उनको देती हूं और वो बहुत खुश है. अभी मेरी एक रीसेंट ब्राइड थी जो मेरी स्टूडेंट थी और वो बहुत सैटिस्फाइड, कल ही रील देखी थी एंड शी वाज वेरी सैटिस्फाइड. और वो मतलब ठीक है मैं नाम नहीं ले सकती, वो बहुत ही प्रोफेशनल जगह से वो कोर्स कर रही हैं, वो वहां से छोड़कर ही आई हैं. दैट्स ग्रेट. दैट्स और वो उन्होंने रिवील भी करा हुआ है अपने पूरे पेज पे, उन्होंने रिवील करी है चीज. बहुत डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस. मेकअप वैसे नहीं अच्छा, मैं अगर अपना भी बताऊं अपनी जर्नी का छोटा सा, मैं यहाँ पे बोलूंगी जब मैंने भी मेकअप सीखा था तो सीखने में और आपकी जर्नी में फर्क होता है. सीखने में आपको रॉ ठीक है ऐसे होता है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ स्टूडेंट आता है ना, जी जान से सिखाती हूँ मैं. मेरी रोहतक से एक स्टूडेंट आती थी, सुना रोहतक से डेली डेली अप डाउन, उनका पेज है पूरा, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है. मैं मतलब मैं सोच रही थी ये डेली कैसे आ रही है और आप यकीन नहीं करोगे उसको बाहर तक छोड़ के आना, बहुत नॉन मुस्लिम थी उनको कैसे छोड़कर मैं आती थी, मेट्रो से तक छोड़कर आना, डेली अप डाउन करती थी वो वहां से. मैंने उनका कोर्स जल्दी पूरा कम्प्लीट करा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. मैंने कहा कभी भी डाउट हो ना आप कॉल करो, एक कॉल नहीं आता, कोई डाउट ही नहीं है. दैट्स ग्रेट. देखिए काम बोलते हैं, हाँ काम बोलते हैं समथिंग, काम में प्योरिटी होना अगर और एक ईमानदारी होनी मेरे हिसाब से तो जब दुनिया आगे जाती जा रही है ना ईमानदारी कम होती जा रही है. जैसे हम कुछ बाहर भी लेने जाते हैं ना गुस्से में बोलते थे कहाँ गया वो जमाना यार, ईमानदारी नहीं है क्या? बिल्कुल वो रखो अपने काम में. मेरे सर्विसेज में अगर ठीक है पता क्या आप क्लाइंट से थोड़ा सा चार्ज कर लो, आप उसको समझा दो कि मैम ये चीज ओरिजिनल में यूज करूं, देगा क्लाइंट देगा वो उसको आप समझा दो. अगर मुझे कोई बाहर से बोलेगा यार ये काम मैंने 2000 में कराया है तो मैं सोचूंगी यार 2000 में हो कैसे सकता है, तो आप उसको समझा दो कि नहीं ये सर्विस में फर्क है. तो आप ओरिजिनल दोगे ना, एक रिप्लिका आता है एक ओरिजिनल आता है. अगर ओरिजिनल का आप ओरिजिनल वाले दीवाने हो ना उसकी आप रखते हो परख, तो आप ओरिजिनल का ही पे करोगे. Okay. नहीं, तो आप ये जो ब्रांड्स यूज करती हैं कॉस्मेटिक ब्रांड्स तो उसको कैसे मतलब बाय डायरेक्ट क्यों और एनी ऑनलाइन पे? हाँ इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जो बहुत ऑथेंटिक पे आपके जो मेकअप के ब्रांड्स हैं वो ऑथेंटिक देते हैं और क्या नाम है उनसे ही बाय करते हैं. और अदरवाइज मेरी काफी ब्राइड्स हैं, मेरे कजन्स हैं यूएस दुबई में, कनाडा में मेरी खुद आया की बेटी है और वहां से भी सब उनसे भी मेरा आते रहते हैं प्रोडक्ट्स. और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वेंडर्स ऐसे ऐसे हैं
वो तो सब कुछ प्रोवाइड हो जाते हैं। तो कभी कभी किसी ब्राइड में ऑब्वियसली सबको ऑब्जेक्शन होता है, या कभी किसी को कुछ तो बहुत कूल होते हैं जो डलवा स्टोरीज पे या रील्स पे आपको पोस्ट करवा देती है, बट जो नहीं करवाती उनसे आप कैसे, मतलब उनका नहीं डालते हो क्या है कैसे? नहीं हाँ, ये भी एक स्ट्रगल ही है क्योंकि ठीक है देखो सबकी प्राइवेसी होती है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं पहले से ही पूछ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई अपलोड नहीं, अपलोड करने को मना करती, शूट यहाँ प्रॉपर सबको शौक है तो शी वाज लाइक कि आपने शूट कर दिया अब इसको अपलोड मत करना, ठीक है आई रिस्पेक्ट दैट, मैं नहीं करती शूट। ओके मेहनत है, दिखाना है काम, बट आपकी रील्स में कभी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं? क्योंकि हर कोई पोस्ट पे लोग किसी की कमेंट देखे ना, कोई अपना काम डाल रहा है कुछ देख रहा है उसमें नीचे नेगेटिव, ऐसा लगता है क्यों बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। मैं डरती भी हूँ कि अल्लाह कभी नहीं, मुझे ये चीज कभी फेस मत करने देना कि कुछ भी एक नेगेटिव कोई ना बोले, वो वहीं से उड़ जाए कुछ भी हो जाए, बट मेरे तक ना पहुंचे वो नेगेटिव कमेंट, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एज अ गर्ल एज अ सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अब और लड़कियों को क्या सजेस्ट करोगे? मैं सब और लड़कियों को यही सजेस्ट करूंगी, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि बी इंडिपेंडेंट। ठीक है आप कैसे भी फैमिली से रिलेट कर रहे हो ये आपके ऊपर है, ऑब्वियसली मैं कोई बोलूंगी तो काफी लड़कियां सोचेंगी हाँ इनका तो हो गया, लेकिन कैसे भी करके बस बी इंडिपेंडेंट। डोंट थिंक कि आपका होने वाला हस्बैंड कितना रिच है या वो कितना रिच हो सकता है, या आपकी शादी कहाँ हो रही है कि वो कितने रिच लोग हैं कि अच्छा मेरी लाइफ तो शॉर्ट है, नहीं बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होके जाओ, ठीक है मौज करो तुम अपने हस्बैंड के पैसे पे करो जैसे करना, अपने फादर अपने उन पे करो, लेकिन इंडिपेंडेंट रहो, कभी भी वक्त पड़ सकता है। ये जो मैंने अपना एक स्ट्रगल वाला एक पार्ट बताया ना, इसी से सीखो, आज को अगर आपके हाथ में हुनर है आपको नॉलेज है तो आपको कोई टाइम बीट नहीं करो, और अल्लाह ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखो और इंडिपेंडेंट तो जरूर बनो, कुछ मत डरो, सारी फैसिलिटी स्टैंड लो। अगर आपको कुछ करना है, आपको सच में जज्बा है कुछ करने का, तो आप सब कुछ कर सकते हो, एज अ गर्ल भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ भी, और उनको थोड़ा इंकरेज करके कि हाँ नहीं मामा हम या फैमिली या पापा कुछ भी हम कर सकते हैं, हम ट्रस्ट रखिए, या बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं बट हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, एवरी गर्ल डू एवरीथिंग एक्चुअली। रुखसार इज लाइक अ मुख्तलिफ लड़की ऑन यूट्यूब एंड आई अप्रिशिएट दैट। मेरे पास टाइम नहीं था, हमने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत डिले हो रहा था, मेरी ब्राइड्स बैक टू बैक ब्राइड्स थी और आज भी इवन टाइम थे इनके, और हमने इसके बीच में से टाइम निकाला, इन्होंने वेट किया मेरे लिए, तो मैं सिर्फ इसीलिए इनकी जो ये है ना मेरे जो एक गर्ल पावर जो होती है ना एज अ वर्किंग, पहले काम पे जाना उसके बाद आके अपनी व्लॉग्स को टाइम देना, इसको एडिट करना बहुत मेहनत है यार, वी कैन डू एनीथिंग इफ यू हैव अ करेज। यही मुझे चाहिए सब लड़कियों के लिए, मुझे यही समझाना है कि आप सब कर सकते हो, आप एक अच्छी वाइफ भी बन सकते हो, आप एक हाउस वाइफ भी बन सकते हो और आप सब संभाल सकते हो, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। आजकल एक चीज और मैं बोलूंगी, आजकल लोग कहते हैं कि वर्किंग लड़की है तो चलाक होगी, ये वो घर में घर में, लेकिन मैं सब अब तो ये लड़कियों के लिए होगा, मैं सारी जो मेरी बड़ी मम्मियां या हम लोगों की जो बड़ों की सोच होती है, मैं एक लास्ट मैसेज ये दूंगी, जितनी भी वर्किंग लड़कियां होती है ना वो आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको मैनेज करना उनको चीजों को मैनेज करना आता है और उनको पता है कि उनका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है घर में देने के लिए, तो बस मतलब थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया इसके लिए, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। एंड ये छोटा सा गिफ्ट है, आई होप आपको पसंद आएगा। इट्स नॉट छोटो, थैंक यू सो मच सर, इट्स मीन अ लॉट मतलब सीरियसली थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। एक और चीज है मेरे पास सना के लिए, एक सरप्राइज छोटा सा हमारे लिए, मतलब सना के लिए एक और है हमारी तरफ से, जो कि है 100K, क्योंकि जब से हमने सना से कांटेक्ट करना शुरू किया था तब 100K सना के हुए थे, एंड आई एम सो 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 हैप्पी, इवन मैंने बात भी की थी, मुझे सना बहुत अच्छा लगा, मतलब हमारे यहाँ से कोई इतना अच्छा कर रहा है तो क्यों नहीं यार, मुझे एवरी गर्ल बहुत अच्छी लगती है जो बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुंचती है, तो ये सबसे स्पेशल है मेरे लिए कि सना हमारे साथ है विद 100K। एक लड़की जब दूसरी लड़की को सपोर्ट करती है ना तो खुशी अलग होती है, दुनिया तारीफ कर ले मगर एक इंडिपेंडेंट लड़की जब एक किसी की तारीफ करे ना वो भी इस तरीके से केक लेके आना मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ये बहुत लॉट्स ऑफ लव,
एंड लॉट्स ऑफ मोर सक्सेस इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच इंशाल्लाह. हम ऐसे ही और केक्स काटते रहेंगे इंशाल्लाह साथ में. तो आपके पास स्टाफ होगा, आपकी एक टीम होगी, तो वो मतलब उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ. मेरी टीम मेरे लिए बहुत बहुत मैटर करती है. एक टीम वर्क ही होता है, ये आपके अकेले की जर्नी नहीं होती, ये आपका टीम वर्क ही होता है. आपकी टीम जो बैक है ना, सबसे पहला अवार्ड तो उन्हीं को मिलना चाहिए. ये एक स्ट्रगल होता है ना, ये पूरी टीम का होता है. तो सबसे पुराने जो हमारे साथ हैं वो आपके साथ कौन है? मेरे साथ सबसे पुरानी जरीना है. सब जरीना तो जानते होंगे. तो जरीना सबसे पुरानी है मेरे यहाँ. यस हेलो. सो जरीना, आप इनके साथ कितने टाइम से हो? मेरे को हो गया 6 ईयर हो गया मैम के साथ. माशाल्लाह. तो अभी तक कैसा लगा मैम के साथ? कितना कुछ सीखने को मिला होगा आप जैसे? मैं काफी कुछ सीख चुकी हूँ, नॉलेज भी बहुत हो चुका है. मैंने देखा है एवरी रील और एवरी ब्राइड के साथ, जब भी वो कहीं बाहर भी लोकेशन पे जाती है आप उनके साथ जाते हो. हाँ, मैं हर जगह रहती हूँ इनके साथ. हर जगह ने मेरा सारा. अभी तक कैसा इनकी जर्नी के साथ आपने कैसे करे? बहुत अच्छा रहा. और कितनी हार्ड वर्किंग है? नहीं, हार्ड तो नहीं बोलूंगी मैं, ये स्टाफ कम समझती है मुझे और मैं इनकी सिस्टर की तरह हूं. ओह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट. हां, शी इज करेक्ट, क्योंकि ये मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह बन गई है. ये मेरे हर स्ट्रगल में मेरे साथ है. अगर ये कहीं भी जाती है ना, बस इसको एक आवाज लगाओ, ये बहुत बहुत ज्यादा एक ईमानदार स्टाफ, जिसे कहते हैं ना पूरा सलोन भूल के मैं अगर घूमने भी गई हूँ ना, सरीना आज तक इसने कभी वैसे लाउड नहीं बोला. कभी कभार मैं भी हाइपर हो जाती हूँ. She knows everything कि मुझे कैसे calm down करना है. हाइपर होती है तो इनको पता है कि मुझे कैसे manage करना है. ये सही है, that's great. Actually यही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा attached हो, बहुत पुराने हो, बहुत ज़्यादा connected, you have a 3 beautiful staff, right? Staff और है हमारी बहुत ही beautiful से, वो भी जा चुकी है. Okay. और बाकी ये 3 हैं और अलहमदुल्ला हम बहुत टाइम से सब साथ है तीनों. बाकी सो आप लोगों को कैसा लगता है इनके साथ एज अ टीम काम करना, एज अ स्टाफ टीम कह सकते हैं? बहुत अच्छा लगता है. कितना कुछ सीखने को काम करते हैं, कितने कितना मतलब क्या कुछ सीखने को मिला है आपसे? बहुत सी चीजें सीखने को मिली है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर. अच्छा, बहुत अच्छा लगता है. तो आप अपनी मैम के लिए आप तीनों क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत ज्यादा ग्रेट है ये. अच्छा. और एक गार्डियन साइन होते हैं ना, वो है ये मेरे लिए. इसका मतलब तुम सही हाथों में हो, आगे तक जाओ. 6 ईयर से शायद यहाँ पे होंगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल भी हूँ और हर चीज मतलब मैनेज हो जाता है, कर लेती हूँ. डांट वाट के खूब आराम से मैनेज हो जाता है. थैंक यू सो मच टीम. और आप लोग नहीं होते तो शायद सना भी कैसे वर्क करती. तो सना एंड यू आर जस्ट the best team it's ever, right? It's a bond. अरे कोई बात नहीं होगी. So आज हमारे साथ हैं आंटी, जो कि सना की बैकबोन भी कह सकते हैं हम, जो जिन्होंने पूरा जर्नी सना के साथ किया है. तो आंटी कैसा लगता है आपको सना को अब देख के? बहुत बहुत खुशी होती है मुझे. Feel proud? अपनी बच्ची को. Oh, आंटी emotional होती है. ये मेरी बैकबोन नहीं, ये मेरी सारी जितनी भी बोन्स है, ये सारी बोन्स आंटी हैं. बैक सपोर्ट सब कुछ यही है मेरे लिए. प्लीज ऐसे मत करो. आंटी देखिए चली गई हैं, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया. तो चलिए हम यहीं से लेते हैं आपसे अलविदा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली. और ये जर्नी एवरी गर्ल के लिए है, जो भी अगर कुछ करना चाहती है तो वो जरूर करें और बाहर निकले और अपने मतलब वो सब कुछ कर सकती है. तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है. एंड सब कुछ कर सकती है. इस पेज को जरूर फॉलो और लाइक करें, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा इन्होंने पॉडकास्ट बनाया, क्योंकि लोगों की जर्नी शेयर करना. ठीक है, हम लोग कॉफी विद करण में नहीं जा सकते, तो कॉफी विद मुख्तलिफ लड़की तो जा सकते हैं. और यही चाहिए ओखला के सारे बड़े बड़े लोगों के साथ ना, ये लड़की आगे ही जाएगी. बहुत एक दिन बैठी होगी कॉफी विद करण का इंटरव्यू ले रही होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इनका नेचर और इनका जो वे है, ये जो निकली है बहुत ही अच्छे वे से. गाइस बिल्कुल लाइक और फॉलो इसको, बहुत शेयर कर दो. थैंक यू सो मच. I hope you like this video. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ अच्छे नए और नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.